Hello friends, welcome to English Learn It. This is your spoken English teacher Fatima. So today we would be learning the correct use of two prepositions that are to and for. Guys, आज हम सीखेंगे कि हम कहाँ कहाँ to का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ for का सही इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे to का सही इस्तेमाल. To use करने के लिए first case है डेस्टिनेशन यानी के मंजिल का बताने के लिए. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम गोइंग टू मैकडोनल्ड्स. मैं मैकडोनल्ड्स जा रहा हूँ. इसमें हम मंजिल का बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा. अब इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम गोइंग टू लाहौर. मैं लाहौर जा रहा हूँ. इसके अलावा हम टू को टाइम बताने के लिए यानी के वक्त या औकात बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. मैकडोनल्ड्स इज ओपन फ्रॉम मंडे टू संडे. मैकडोनल्ड्स फिर से हफ्ते तक खुला रहता है. टू यूज करने के लिए थर्ड केस है कंपेयरिंग यानी के मुआजना करने के लिए. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. आई प्रिफर ईटिंग एट होम टू ईटिंग एट रेस्टोरेंट्स. मैं रेस्टोरेंट में खाने की बजाय घर पर खाना पसंद करता हूँ. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई प्रिफर स्लीपिंग टू वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देखने की बजाय सोने को तरजीह देता हूँ. इसके अलावा हम टू को एक और केस में यूज कर सकते हैं, वो है रिसीवर हासिल करने वाले की पहचान के लिए. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. आई गेव पोटैटोज टू अली. मैंने अली को आलू दिए. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई सेंट अ लेटर टू बीनिश. मैंने बीनिश को खत भेजा. फिफ्थ और लास्ट केस जिसमें हम टू प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एक्सप्रेसिंग रीजंस यानी के वजह बताने के लिए. इसकी एग्जांपल देखते हैं. आई एम वॉचिंग वीडियोज टू इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश. मैं अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए वीडियोज देख रहा हूँ. I am watching videos to improve my spoken English. एक और example देखते हैं. I opened app to order food. मैंने खाने का order देने के लिए app खोली. I opened app to order food. अब हम देखते हैं कि for preposition को हम किन पांच cases में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फर्स्ट केस है बेनिफिट्स यानी के फवायद बताने के लिए. इसकी एग्जांपल देखते हैं. आई ऑर्डर्ड बर्गर फॉर माय फ्रेंड. मैंने अपने दोस्त के लिए बर्गर का ऑर्डर दिया. आई ऑर्डर्ड बर्गर फॉर माय फ्रेंड. एक और एग्जांपल देखते हैं. आई बॉट फ्लावर्स फॉर माय मदर. I bought flowers for my mother. मैंने अपनी माँ के लिए फूल खरीदे. एक और केस जिसमें हम for का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है period of time यानी के वक्त की मुद्दत जाहिर करने के लिए. I have been living in Islamabad for 2 years. मैं 2 साल से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव बिन वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज फॉर फ्यू वीक्स नाउ. मैं अब कुछ हफ्तों से अंग्रेजी वीडियोज देख रहा हूँ. थर्ड केस ऑफ यूटिलाइजिंग द प्रेपोजिशन फॉर इज शेड्यूल निजाम औकात के लिए. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. I have booked a restaurant
फॉर जून 26। मैंने 26 जून के लिए एक रेस्टोरेंट बुक कराया है। अब रेस्टोरेंट की, अब हम वैसे तो फॉर और टू का प्रपोजिशन का इस्तेमाल देख रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट हम बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये रेस्टोरेंट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई मेड अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट फॉर जून 20th। मैंने 20th जून के लिए डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है। आई मेड अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट फॉर जून 20। फोर्थ केस जिसमें हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एक्सप्रेसिंग रीजंस, यानी के वजह बताने के लिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसे उसकी बदतमीजी की सजा दी गई। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। फिफ्थ एंड लास्ट केस फॉर यूटिलाइजिंग फॉर इन एनी सेंटेंसेस शोइंग द पर्पस, यानी कि मकसद बताने के लिए। आई वेंट टू पार्क फॉर अ वॉक। मैं चहलकदमी के लिए पार्क गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फातिमा क्रिएट्स वीडियोज फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। फातिमा आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए वीडियोज बनाती है। फातिमा क्रिएट्स वीडियोज फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। अब आपने मुझे, ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने कमेंट सेक्शन में टू या फॉर से मुझे कोई सेंटेंस बना के दिखाना है, मैं उसको जरूर देखूंगी। आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। बस जब आप गूगल से देखते हैं तो उसको एग्जैक्ट कॉपी करने की बजाय आप उसको रीफ्रेज करना सीखें। यानी कि अगर कोई टीवी का वर्ड है तो आप उसे लैपटॉप से चेंज कर दें। यानी कि उसमें अपनी कोई ना कोई क्रिएशन ज़रूर डालें। इससे आपको वर्ड्स बनाने में, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में बहुत मदद होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या सीखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Do consider liking my video and subscribing my YouTube channel. Till next video, bye bye.